हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं कानपुर स्मार्ट सिटी के बारे में, कानपुर स्मार्ट सिटी फैसिलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं आज हम, और आप सभी को बताने वाले हैं कि कानपुर स्मार्ट सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ और इनोवेशन हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कानपुर स्मार्ट सिटी जो है वो हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर में स्थित है, यानी कानपुर नगर में जो एरिया है उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार भारत में कानपुर काफ़ी उद्योग का देश माना जाता है, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, और इंडस्ट्रीज़ इसलिए है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी है, यानी कि लोगों को रोज़गार मिलता है, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो, चाहे वो अदर ऑफिसेज में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे बैंक्स में हो, चाहे यहाँ पे आपके डीलर्स में हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में हो, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसीज के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके रिसर्च R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्टडीज़ के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के क्षेत्र में हो, तो हर प्रकार में कानपुर जो है एक बेस्ट, एक इनोवेटिव और स्मार्ट सिटी माना इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, यानी कि एजुकेटेड है, और बहुत ही कम लोग जो है इलिटरेट है, यानी कि अनपढ़ हैं। तो कहने का मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है लोगों को एजुकेशन और लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जो है पावर मिल रही है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, और काकादेव में कॉलेज कोचिंग्स की मंडी है जो कि IIT और अच्छे रुड़की इंजीनियरिंग के लिए जो है प्रिपरेशन भी करवाती है। तो कहने का मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्रूमिंग की यानी कि ग्रूमिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके एम्यूजमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके जॉब के क्षेत्र में हूँ, तो हर प्रकार से कानपुर एक बेस्ट सिटी मैं मानता हूँ, और एक इंडियन सिटीजनशिप के नागरिक होने के कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कानपुर एक बहुत ही अच्छा सिटी है। और अगर आप कानपुर आते हैं तो कानपुर में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, चाहे वो आपको शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे वो आपको मोतीझील हो, JK टेम्पल हो, और चाहे वो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट हो, जैसे PSIT हो गया, महाराणा प्रताप एजुकेशन सेंटर हो गया, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, हर प्रकार के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, और कानपुर यूनिवर्सिटी जैसे जिसे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी माना जाता है वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, जिससे काफ़ी कॉलेजेस एफिलिएटेड यानी कि मान्यता प्राप्त हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए इनकरेज किया जाता है, यानी कि प्रोत्साहन दिया जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे की ओर बढ़ रही हैं। और अगर कानपुर में अगर बात किया तो जैसे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, ये भी बहुत ही अच्छी कॉलेजेस में माना जाता है। चाहे अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोदी जी आए थे सन 2020 में, और यहाँ पे अटल घाट का उद्घाटन भी किया जाए, जिस प्रकार से गंगा बैराज के पास जो है अटल घाट कानपुर में है, जो कि लोग आते हैं घूमने के लिए, और लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये ग्रूमिंग प्लेस बन चुका है। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे गंगा बैराज हो गया, अटल घाट हो गया, और शॉपिंग मॉल्स हो गया, जैसे Z स्क्वायर, रेव मोती, रेव 3 और आइनॉक्स, तो ये सब शॉपिंग मॉल्स है हमारी कानपुर स्मार्ट सिटी में। और कानपुर में सबसे अच्छी बात यह है कि कानपुर सेंटर यानी कि जो कानपुर का जो हब है वो जो घंटाघर रेलवे स्टेशन, जो घंटाघर में है वो रेलवे स्टेशन में जो मेन हब है वो बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है हर प्रकार की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है, चाहे वो सिक्योरिटी से लेकर के आपको टिकट काउंटर से लेकर आपको हर प्रकार की जो है फैसिलिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कानपुर और ग्रीन कानपुर, यानी कि हर प्रकार से कानपुर एक बेस्ट सिटी और माना जाता है। यहाँ पे हर प्रकार के लोग जो है रहते हैं, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो हाईली प्रोफाइल्ड हो, और चाहे वो पुअर सिटीजनशिप क्यों ना हो, लेकिन हर प्रकार के लोग यहाँ पे आराम से रहते हैं। हर प्रकार के व्यक्ति के लिए हर व्यवस्था यहाँ पे रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है आपको जो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, चाहे KDO कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो आपका जल विभाग निगम हो, यहाँ पे सरकारी संस्था भी बहुत अच्छी प्रकार से वर्क कर रही हैं। इस इंडियन गवर्नमेंट जो 2020 में जो इंडियन गवर्नमेंट चली है उसके अनुसार बहुत अच्छी प्रकार से वर्क चला है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D के में भी बहुत ही ज़्यादा इनोवेशंस के लिए वर्क चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको कानपुर एयरपोर्ट फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है, यानी कि कानपुर से आप जो है हवाई जहाज में भी
आप एरोप्लेन की फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं, यानी ये हर प्रकार से ही आपके लिए परफेक्ट है। और साथ साथ कानपुर में मेट्रो रेल की फैसिलिटी बस एक अवेलेबल नहीं थी, वो भी बहुत जल्द अवेलेबल होगी क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अवेलेबल हो रहा है। साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कानपुर एक स्मार्ट सिटी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग जो है एजुकेशन की और जॉब अपॉर्चुनिटी की और हर प्रकार से आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हम एक एजुकेशन की ओर ही बात करें, यहाँ पे लोग विश्वसनीय तौर से जो है डांसिंग और म्यूजिक एजुकेशन के लिए भी बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और अपनी जो है नई पहचान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो फेम गुरुकुल में भी जो अरिजीत सिंह थे वो भी कानपुर से बिलोंग करते थे। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कानपुर एक ऐसा सिटी जहाँ से लोग जो है काफ़ी अपने करियर को काफ़ी आगे बढ़ा करके आगे की ओर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कानपुर एक स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी तो है ये, लेकिन इसको बनाने वाले यहाँ के लोग हैं और इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोत्साहन है वो उन लोगों की वजह से यहाँ पे लोगों को जो है काफ़ी कुछ मिल रहा है और आगे भी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को जो है यहाँ पे उम्मीद ये की जा रही कि यहाँ पे लोगों को आगे कुछ बहुत कुछ मिल सकेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज इन फॉर वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इंप्लीमेंटेशन। प्लीज सब्सक्राइब।